दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों गाड़ी है हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस सेल्फ स्टार्ट, दोस्तों बाइक है BS4। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है बाइक में कि बाइक जो है वो पीछे से ऐसे इस तरीके से हिल रही है, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो पीछे से पूरी जो गाड़ी है पूरी हिल रही है। इसके लिए गाड़ी दोस्तों टर्निंग पर अनबैलेंस हो रही है। दोस्तों अनबैलेंस होने की वजह से कस्टमर को चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। उसने किसी मैकेनिक को दोस्तों बताया था तो वहाँ पे उसे बेरिंग का प्रॉब्लम शो किया था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इसमें बेरिंग का है ही नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ये तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मुझे इसका टायर निकालना पड़ेगा, टायर एंड शॉक एब्जॉर्बर एंड ये फ्रंट वाला जो दोस्तों जो चिमटा है दोस्तों जिसे हम स्विंग आर्म बोलते हैं। तो ये स्विंग आर्म में दोस्तों दो बुश होते हैं, दोनों साइड के दोस्तों बुश जो है इसके चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये बुश चेक कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। टायर को दोस्तों इस तरीके से आपको हिलाना है, अगर हिलाने के बाद दोस्तों फ्रंट्स में से हिल रहा है तो दोस्तों बुशिंग का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे दोस्तों ये हिल रहा है तो फटाफट से अभी दोस्तों क्या करते इसे जो है वो ओपन करने के लिए लेते हैं। सबसे पहले इसका टायर रिमूव करेंगे, देन टायर रिमूव करने के बाद सारा कुछ चीज़ एक 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 तरीके से बाहर निकालेंगे। तो फटाफट से निकालते इसे बाहर। तो फाइनली जो है वो इसका स्विंग आर्म बाहर आ चुका है फ्रेंड्स, इसका सारा टोटली ओपन हो चुका है। और साथ में इसके ड्रम रबर भी दोस्तों चेंज हो गए, क्योंकि दोस्तों ड्रम रबर कटे हुए हैं। दोस्तों ड्रम अगर रबर एंड स्विंग आर्म बुशिंग, तो बुशिंग को अभी प्रेस कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नए वाले बुशिंग इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फटाफट से जो अभी जो है वो गाड़ी की दोस्तों फिटिंग के लिए ले लेते हैं। पूरे गाड़ी को दोस्तों फटाफट से अभी फिटिंग करना है। सबसे पहले हमें वो चिमटा लगा के ले लेना है स्विंग आर्म, देन उसके बाद बाकी की फिटिंग करते हैं। तो अभी जो है वो इसका जो दोस्तों ये स्विंग आर्म है ये मैंने यहाँ पे पोजीशन पे ले लिया है। यहाँ पे दोस्तों अंदर में एक वॉशर होता है और सेम तरीके से वो साइड में भी दोस्तों एक वॉशर आता है। वॉशर के बाद अभी इसको हम फुल टाइट कर देंगे और एक बार लास्ट में टायर चढ़ाने के बाद फिर से एक बार टाइट कर लेंगे। अभी जो है इसका शॉक अब्सॉर्बर भी लगा दिया दोस्तों। अभी दोस्तों इसके ऊपर चैन लगा दूंगा, ये सारे नट बोल्ट्स को टाइट मैंने कर दिया अच्छे से। अभी इसके ऊपर चैन लगा दूंगा, ड्रम रबर दोस्तों इसमें नया डालूंगा एंड टायर को फटाफट से फिटिंग करके ले लूंगा। गाड़ी रेडी हो चुकी है, सारा कुछ इसका मैंने लगा दिया है। एंड दोस्तों अभी इसमें जो है वो बिल्कुल भी प्ले नहीं है, जैसे दोस्तों पहले डग हो रहा था वैसे नहीं हो रहा। एंड दोस्तों इसके दो रीज़न थे, एक ये दोस्तों रबर एंड दूसरे दोस्तों स्विंग आर्म बुश, एंड थर्ड और एक दोस्तों चीज़ रही थी, अगर आपका रियर से गाड़ी जो है वो ऐसे हिल रही है पीछे से, यानी कि प्रॉब्लम कर रही है टर्निंग में वगैरह वो या फिर ओवरटेक मारते वक्त, तो दोस्तों आपको एक ये चार चीज़ें ज़रूर चेक करनी है बाइक में, स्पेशली स्विंग आर्म बुश, सेकेंड चीज़ दोस्तों ये रबर ड्रम रबर, या फिर टायर में दोस्तों बेरिंग होते हैं अंदर, वो बेरिंग अगर नॉर्मल में भी दोस्तों प्ले रहेगा तब भी गाड़ी जो है वो दिक्कत करेगी। एंड थर्ड चीज़ फोर्थ चीज़ ये कि इसका जो शॉक एब्सॉर्बर है अगर दोस्तों ये वीक हो जाएंगे तब भी दोस्तों गाड़ी इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। एंड और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेन किट, अगर दोस्तों चेन किट इसका ख़त्म होते आया होगा, ये देखिए दोस्तों ये लास्ट सेटिंग पे है, तो दोस्तों चेन किट भी वन साइड क्या होता है दोस्तों चेन जो है ऊपर नीचे चलती है, इसके वजह से भी गाड़ी जो है पीछे से थोड़ी नॉर्मल हिलने लगती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो से अगर कोई आपको इन्फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।